पिछले एपिसोड में हमने सलाम प्रथा का जिक्र किया था। चलिए मूल पाठ को आगे जारी रखते हैं। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूँ। जय भीम, हुल जोहार। उन दिनों मैं 9वीं कक्षा में था। घर की आर्थिक हालत कमजोर हो चुकी थी। एक एक पैसे के लिए परिवार के प्रत्येक सदस्य को खटना पड़ता था। मेरे पास पाठ्य पुस्तकें हमेशा कम ही रहती थीं। दोस्तों से मांग कर काम चलाना पड़ता था। कपड़ों की भी वही स्थिति थी, जो मिल गया पहन लिया, जो वक्त पर मिल गया खा लिया। उन दिनों गांव में मरने वाले पशुओं को उठाने का भी काम चूहड़ों के जिम्मे था। जिनके घर में जो काम करता था, उनके पशु भी उसे ही उठाने पड़ते थे। इसके बदले में कोई मेहनताना या मजदूरी नहीं मिलती थी। एक गाय, एक भैंस या बैल को उठाने के लिए 4 से 6 लोगों की जरूरत पड़ती थी। जिसका मवेशी मर जाता था, उसे जल्दी रहती थी, इसलिए वह बार बार बस्ती में आकर चिल्लाता था। देर होने पर गालियां बकता था। उठाने वालों को इकट्ठा करने में अक्सर देर हो जाती थी। यहां भी बेगार ही काटनी पड़ती थी। मरे हुए पशु को उठाना बहुत कठिन काम होता है। उसके अगले पिछले पैरों को रस्सी में बांधकर बांस की मोटी मोटी बाहियों से उठाना पड़ता है। इतने श्रम साध्य काम के बदले मात्र गालियां। कितने क्रूर समाज में रहे हैं हम, जहां श्रम का कोई मोल ही नहीं, बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का एक षड्यंत्र ही था सब। कितना दुखद है यहाँ पर। अपना काम करवाने के लिए भी इन लोगों को कितनी मिन्नत करनी पड़ती थी, गिड़गिड़ाना पड़ता था। वहीं दूसरों का काम करने के लिए भी अपना श्रम भी देना पड़ता था और गालियां भी सुननी पड़ती थी। मतलब दोनों ही सूरतों में इनके हिस्से सिर्फ गालियां ही आती थी। ये वर्ण व्यवस्था का एकदम क्रूरतम उदाहरण है। मरे हुए पशुओं की खाल मुजफ्फरनगर में चमड़ा बाजार में बिक जाती थी। उन दिनों एक पशु की खाल 20 से 25 रुपए में बिकती थी। आने जाने और मरे जानवर को उठाने वालों की मजदूरी देकर मुश्किल से एक खाल के बदले 10-15 रुपए हाथ में आते थे। तंगी के दिनों में 10-15 रुपए भी बहुत बड़ी रकम दिखाई पड़ते थे। चमड़ा खरीदने वाला दुकानदार खाल में बहुत मीन मेख निकालता था। कट फट जाने पर खाल बेकार हो जाती थी। खाल को निकालते ही उस पर नमक लगाना पड़ता था, वरना दूसरे दिन ही खाल खराब हो जाती थी, जिसे दुकानदार खरीदने से मना कर देता था। एक रोज ब्रह्मदेव तगा का बैल खेत से लौटते हुए रास्ते में गिर पड़ा। उठ नहीं पाया, मर गया था। कुछ ही देर बाद ब्रह्मदेव ने आकर हमारे घर खबर कर दी थी। पिताजी और मुझसे बड़े भाई जनेसर उस रोज किसी रिश्तेदारी में गए थे। घर पर माँ, मेरी बहन माया और सबसे बड़ी भाभी रहती देवी ही थे। जसबीर उन दिनों देहरादून में मामा के पास था। माँ परेशान हो गई थी। बैल की खाल उतारने किसे भेजे? बस्ती में 1-2 लोग थे, लेकिन कोई भी उस समय जाने के लिए तैयार नहीं था। माँ ने चाचा से बात की, वे तैयार हो गए थे, लेकिन उनके साथ किसी को जाना चाहिए। अकेले से खाल नहीं उतारी जाएगी। मैं उस समय स्कूल में था। माँ ने थक हार कर मुझे ही बुला लिया था। मैंने कभी ये काम नहीं किया था। माँ नहीं चाहती थी कि ये काम मुझे करना पड़े, लेकिन खाल बेचकर जो 10-15 रुपए मिलने वाले थे, उसे छोड़ पाने की स्थिति में माँ नहीं थी। हार कर माँ ने मुझे चाचा के साथ भेज दिया। मेरे चाचा सोलर महाकाम चोर थे। बस सारा दिन ढोल ताशों में लगे रहते थे, मेहनत के काम से कतराते थे। माँ को फिकर लगी थी कि कहीं हमारे पहुँचने से पहले ही बैल पर गिद्ध या जंगली जानवर ना टूट पड़े। चाचा ने खाल उतारना शुरू किया। मैं उनकी मदद कर रहा था। चाचा का हाथ धीरे धीरे चल रहा था। पिताजी जैसी कुशलता उनमें नहीं थी। थोड़ी देर बाद ही वे थककर बीड़ी पीने बैठ गए थे।
चाचा ने एक छुरी मेरे हाथ में पकड़ा दी। बोले, धीरे धीरे खाल उतारो, अकेले से तो शाम तक नहीं उतरेगी। छुरी पकड़ते हुए मेरे हाथ कांप रहे थे, अजीब से संकट में फंस गया था। चाचा ने छुरी चलाने का ढंग सिखाया। उस रोज मेरे भीतर बहुत कुछ था जो टूट रहा था। कितना कष्ट कर रहा होगा ओम प्रकाश जी के लिए। पिताजी कहते थे कि पढ़ लिख कर जाति बदलनी है, मतलब शिक्षित होकर जाति का उद्धार करना है, और वहां पर वही काम उन्हें करना पड़ रहा था जिसको करने से इन्हें रोका जा रहा था, और जिसे ना करना पड़े उसके लिए इन्हें स्कूल भेजा जा रहा था। चाचा की हिदायत पर मैंने बैल की खाल उतारी थी। मैं जैसे स्वयं ही गहरे दलदल में फंस रहा था, जहां से मैं उबरना चाहता था हालात मुझे उसी दलदल में घसीट रहे थे। चाचा के साथ तपती दोपहर में जिस यातना को मैंने भोगा था, आज भी उसके जख्म मेरे तन पर ताजा है। जैसे जैसे खाल उतर रही थी, मेरे भीतर का रक्त जम रहा था। खाल उतारने में हमें कई घंटे लग गए थे। चाचा ने खाल को जमीन पर फैला दिया था, उस पर लगे खून को सूखी जमीन ने सोख लिया था। चाचा ने खाल को चादर में बांध दिया था, गठरी उठाकर सिर पर रख ली थी। लगभग 2 मील की दूरी पर हमारा घर था। बोझ के कारण चाचा को तेज चलना पड़ रहा था। मैं हाथ में छुरी पकड़े उनके पीछे पीछे लगभग दौड़ रहा था। बसेड़ा जाने वाली पक्की सड़क से हम लोग बस अड्डे के पास पहुंच गए थे। गठरी सिर से उतार कर चाचा ने जमीन पर रख दी थी। यहां से आगे तुम ले जाओ, मैं थक गया हूं। उस रोज मैंने चाचा से बहुत कहा था, लेकिन वे नहीं माने। चाचा, बस अड्डे की भीड़ पार करा दो, मेरे स्कूल की छुट्टी का समय है। मेरे स्कूल के साथी ये ले जाते हुए देखेंगे तो वे मुझे स्कूल में तंग करेंगे, मैंने गिड़गिड़ाकर रुआंसी आवाज में चाचा से कहा, किंतु वे नहीं सीझे। गठरी उतार कर मेरे सर पर रख दी। गठरी का वजन मेरे वजूद से ज्यादा था, मजबूरन उठाकर चलना पड़ा। बस अड्डे की परिचित भीड़ से मैं उस रोज जिस तरह निकला, मेरा ही मन जानता है। एक भय लगातार मेरा पीछा कर रहा था, कोई देख ना ले, कोई सहपाठी ना मिल जाए, अगर पूछ बैठा कोई तो क्या बताऊंगा। उस समय ओम प्रकाश जी कितनी मानसिक यातना को भोग रहे होंगे, इसका अंदाजा हम शायद ना लगा पाए। घर तक पहुंचते पहुंचते मेरी टांगे जवाब दे गई थी, लग रहा था अब गिरा। गांव के किनारे किनारे चलकर लंबा चक्कर काटा था बस्ती तक पहुंचने के लिए। मुझे उस हाल में देखकर माँ रो पड़ी थी। उनकी माँ का यह रोना अकारण नहीं था। जिस चीजों से इनको दूर रखा गया बचपन से ही, शिक्षित होने के लिए इनको स्कूल भेजा गया, आखिरकार आज वही काम इन्हें करना पड़ रहा था। मैं सिर से पांव तक गंदगी से भरा हुआ था। कपड़ों पर खून के धब्बे साफ दिखाई दे रहे थे। बड़ी भाभी ने उस रोज माँ से कहा था, इनसे ये ना कराओ, भूखे रहेंगे, इन्हें इस गंदगी में ना घसीटो। भाभी के ये शब्द आज भी मेरे लिए अंधेरे में रोशनी बनकर चमकते हैं। मैं इस गंदगी से बाहर निकल आया हूँ, लेकिन लाखों लोग आज भी उस घिनौनी जिंदगी को जी रहे हैं। तो किसी भव्य इमारत को खड़ी करने के लिए किसी न किसी को नींव की ईंट बनकर दबना पड़ता है। पहले हमने घटना दो पढ़ी थी जिन्होंने ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के जीवन पर अमिट छाप छोड़ी, एक उनके पिताजी की और एक उनकी माता जी की। लेकिन बीच बीच में छोटी छोटी घटनाएं जो उनकी भाभियों की स्नेह को दर्शाती हैं, वो भी बेहद अहम थी। अगले रोज हिरम सिंह के साथ खाल लेकर शहर जाना पड़ा था। पिताजी और जनेसर लौटे नहीं थे। हिरम सिंह का परिवार जानवरों की हड्डियों और खाल शहर ले जाकर बेचते थे। तांगे में खाल को छुपाकर सीट के नीचे रखा गया था ताकि सवारियों का ध्यान उस पर न जाए। बस में कंडक्टर चढ़ने नहीं देता था। मुसलमान तांगे वाले ने हिरम सिंह से बात कर ली थी। तांगे वाले ने सवारियां जिला अस्पताल के सामने उतार दी थी। वह हमें लेकर चमड़ा बाजार गया।
चमड़ा बाजार में चारों तरफ चमड़े के ढेर लगे थे। सूखी हड्डियों के गोदामों से बदबू के तेज झोंके आ रहे थे। सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। खाल 25 रुपए में बिक गई थी। 2 रुपए तांगे वाले ने लिए थे किराए के। शाम होने से पहले ही हम लौट आए थे। बचे हुए पैसे मैंने माँ को दिए तो उसने लौटा दिए। तेरे पास सकुड़ की किताबें नहीं है, इनसे जो भी आए खरीद ले, घर का खर्चा तो जैसे तैसे चढ़ ही जाएगा। मैंने माँ से कहा, इसमें से कुछ चाचा को भी दे दो। माँ ने मुझे डांट दिया, उसका नाम मत ले, तेरे बापू को आने दे, उसके हाड़ तुड़वाऊंगी। माँ चाचा पर गुस्सा थी। उस दिन से चाचा भी माँ के सामने आने से कतरा रहे थे। मेरे चाचा माँ का आदर करते थे, माँ भी चाहे जितना कड़वा बोले, लेकिन दोनों चाचा सोलहड़ और श्यामलाल को खूब चाहती थी। उनके निकम्मेपन पर दुखी तो होती थी, फिर भी उनके छोटे से छोटे दुख में साथ खड़ी रहती थी। पिताजी के वो चचेरे भाई थे, लेकिन उन्हें सगा ही मानती थी। तो यहाँ पर औरतों का बलिदान कितना महत्वपूर्ण है। पहले ही घटना की शुरुआत में ही वाल्मीकि जी बताते हैं कि 10-15 रुपए भी तंगी के दिनों में कितने ज्यादा लगते थे, और वहीं पर जब वे पैसे हाथ में आ गए तो उनकी माँ ने वे पैसे वाल्मीकि जी को लौटाकर उनसे स्कूल की किताबें खरीद लेने को कहा। घर का खर्चा जैसे तैसे चल ही जाएगा, यही उनके शब्द थे। पारिवारिक सघनता का एहसास पिताजी से मुझे विरासत में मिला था। एक दिन मामा सुरजन को लेकर अचानक बरला आ गए थे। माँ से उन्होंने कहा था, यो अब ना पड़ेगा, देहरादून में इसका रहना ठीक नहीं है, इसकी सोहबत खराब हो गई है, यहीं के स्कूल में इसका दाखिला करवा दो। सुरजन का दाखिला 9वीं में हुआ था। सुरजन और मैं 9वीं कक्षा में एक साथ थे, दोनों का सेक्शन भी एक ही था। इन्हीं दिनों जनेसर, जो इनसे बड़े भाई थे, की आंखों में मोतियाबिंद उतर आया था। काफी परेशान था वह। काफी दिन घरेलू इलाज चलता रहा, लेकिन तकलीफ कम होने के बजाय लगातार बढ़ रही थी। गांव में आंखों के इलाज के लिए एक कैंप लगा था, जिसमें मुफ्त इलाज होता था। जनेसर को भी इलाज के लिए उस कैंप में भर्ती कर दिया गया था। उसकी आंखों का ऑपरेशन हुआ था। जनेसर कई महीने बिस्तर पर रहा था। ऑपरेशन के बाद आंखें पूर्ण रूप से ठीक नहीं हुई थी। उन दिनों सुरजन ही उसकी पट्टी बदलने, दवा डालने का काम करता था। उन्हीं दिनों एक घटना घट गई थी, जिसमें सुरजन और जनेसर भी फंसते फंसते रह गए थे। ये एक महत्वपूर्ण घटना है, इसका जिक्र आगे कहानी को बढ़ाते हुए हम करेंगे, लेकिन इस पर आप ध्यान दीजिए। हुआ यह था कि बस्ती के जवान लड़कों ने बेगार करने से इनकार कर दिया था। शुरू शुरू में इनकार की जगह आनाकानी या टाल मटोल से काम चलाने की विधि अपनाई गई थी। बड़े बूढ़े इनकार नहीं कर पाते थे। तगांव ने भी समझ लिया था कि अब ये उनके हाथ से निकल रहे हैं, इसीलिए काम के बदले मजूरी मांगते ही उनकी त्योरियां चढ़ जाती थी। वे ऐसा कोई रास्ता ढूंढ रहे थे कि उनका दबदबा भी बरकरार रहे और कुछ करना भी ना पड़े, मतलब सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इसके लिए उन्होंने पुरकाजी थाने के दरोगा की मदद ली, जो कि उनकी ही बिरादरी का था। दरोगा किसी खास अफसर की टोह में था। यह मौका अचानक ही उसके हाथ लग गया था। पूरा सिस्टम कैसे खिलाफ खड़ा हो जाता है दलितों के। सरकार उनकी, सिस्टम उनका, लोग उनके। नहर विभाग का एक अतिथि गृह है बरला गांव में। बस अड्डे से मुजफ्फरनगर जाने वाली सड़क पर कॉलेज से पहले एक पीली सी और लाल मटमैले रंग की पुरानी इमारत है, वृक्षों के झुरमुट में। यह इमारत कई हिस्सों में बटी हुई है। किसी जमाने में अंग्रेज अफसर दौरे पर आते थे तो यहीं ठहरते थे। इसे यहाँ कोठी के नाम से जाना जाता है। इसके आसपास दूर दूर तक लहलहाते खेत हैं, सामने पक्की सड़क। गांव में चकबंदी चल रही थी, कोई बड़ा अफसर आने वाला था। हमेशा की तरह भंगी बस्ती में एक सरकारी कर्मचारी आया। साफ सफाई के लिए कुछ लोगों की जरूरत थी।
जिसके बदले में कोई पैसा या मजूरी मिलने की उम्मीद नहीं थी। बेगार थी ये हमेशा की तरह। कई कई दिन तक भूखे प्यासे लोग कोठी की साफ सफाई में लगे रहे थे, बदले में गालियां अलग। पुलिस के सिपाही बस्ती से मुर्गे मुर्गियां उठा ले जाते थे जोर जबरदस्ती से। कहीं कोई सुनवाई नहीं थी इनके खिलाफ, बल्कि कुछ तगा भी इसमें सहयोग देते थे। पुलिस वालों को देखते ही बस्ती की औरतें घरों में छिप जाती थी। क्यों छिप जाती थी? ताकि पुलिस वालों की नजर उन पे ना पड़े, कहीं मुर्गे मुर्गियों की जगह के साथ साथ औरतों को भी उठा कर ना ले जाएं अपने मनोरंजन के लिए। ये घटना आज भी बदस्तूर जारी है। ज्यादा पुरानी बात नहीं, महज 2 दिन पुरानी बात है। आजमगढ़ जिले की, यूपी के आजमगढ़ जिले की, जहां औरतों को पुलिस अधीक्षक ने डराया, धमकाया, गाली गलौज करी और उनसे गंदी गंदी मांगे पेश करी। इस बार बस्ती के लोगों ने बेगार करने से मना कर दिया था। दिहाड़ी दोगे तो जाएंगे, इस बात पर तनातनी हो गई थी। जो व्यक्ति बुलाने आया था वह तहसील का कोई चतुर्थ श्रेणी मुलाजिम था, लेकिन उसका रौब दाब किसी अधिकारी से कम नहीं था। बात बात में अबे तबे कर रहा था। जब सभी ने जाने से मना कर दिया तो वह जोर जबरदस्ती पर उतर गया, लेकिन सभी लोग एक एक कर इधर उधर खिसकने लगे थे। उसे बैरंग लौटना पड़ा, अर्थात खाली हाथ ही जाना पड़ा, इतनी जोर जबरदस्ती के बाद भी, क्योंकि विद्रोह के स्वर शुरू हो गए थे बस्ती में। आते जाते 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 वह धमकी देकर गया था। इस घटना के 15 दिन बाद पुलिस के 2 सिपाही बस्ती में आए थे और 10 लोगों को धर के ले गए थे। जो भी सामने दिखाई पड़ा बुला लिया। जनेसर की आंखों में पट्टी बंधी थी। सुरजन उसी क्षण भीतर आंगन वाले घर में चला गया था, वरना वह भी फंस गया था। जिक्र पहले ही हो चुका है कि कैसे जनेसर और सुरजन इस विपत्ति से बच गए बाल बाल। मैं उस समय बस्ती में नहीं था, कुछ देर बाद लौटा था। आते ही पता चला बारू, धन्नू, मामचंद आदि को पुलिस ले गई है। इलियास के घेर के सामने एक बगीचा था, सड़क के किनारे, सड़क पार पंचायत घर था। उसी बगीचे में चारपाई पर बैठा इलियास हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। एक मूढ़े पर दरोगा बैठे हुए थे, उनके हाथ में एक रूल अर्थात फुट्टा या स्केल था, जिसे वे बार बार हवा में लहरा रहे थे। 8-10 सिपाही भी हाथों में लाठी, कंधों पर बंदूकें लटकाए इधर उधर खड़े थे। बस्ती से पकड़कर लाए गए लोगों को मुर्गा बनाकर लाठियों से पीटा जा रहा था। पीटने वाला सिपाही थक गया था, प्रत्येक प्रहार पर पीटने वाला चीख उठता था। यहाँ पर मैं खास गुजरात के ऊना में हुई घटना का जिक्र करना चाहूंगी। ये सब चीजें आज भी बदस्तूर जारी हैं। कोई बदलाव नहीं आया है लोगों की सोच में, सरकारी तंत्र में। कैसे लोगों को जंजीरों से बांधा गया था और कुछ लोग उन्हें लगातार पीट रहे थे और तब तक पीटते रहे जब तक वे लोग बेदम नहीं हो गए। और इसका वीडियो भी बहुत वायरल हुआ था सोशल मीडिया पे। खुलेआम यह शौर्य उत्सव मनाया जा रहा था, जिसमें लोग मूक बने तमाशा देख रहे थे। कहीं कोई विरोध या प्रतिरोध नहीं था। बस्ती की औरतें, बच्चे गली में खड़े दहाड़े मार मार कर रो रहे थे। बिना किसी जुर्म के पुलिस उन्हें पकड़ लाई थी। औरतों और बच्चों को रोने के अलावा कुछ सूझ नहीं रहा था। बस्ती के मुखिया कृपा और घिस्सा प्रधान के पास गए हुए थे, जो अभी तक लौटे नहीं थे। बाद में पता चला प्रधान जी किसी जरूरी काम से शहर चले गए थे एन वक्त पर। व्यंग्यात्मक शैली है ये। बस्ती में किसी व्यक्ति में इतनी हिम्मत नहीं थी जो दरोगा से पूछ सकता कि उन्हें पीटा क्यों जा रहा है, क्या कसूर है उनका। यह तमाशा घंटे भर चलता रहा। 10 के 10 लोग दर्द से कराह रहे थे। उनकी चीखें सुनकर वृक्षों पर बैठे पक्षी उड़ गए थे, लेकिन गांव की संवेदना को लकवा मार गया था। सोचिए कितना मार्मिक चित्रण किया है उनकी चीखों का। पक्षी जो पहले तो बैठकर देख रहे थे, लेकिन बाद में घबरा कर
चीखें सुन सुनकर वहां से चले गए। कितना दर्द सहना पड़ा होगा उन लोगों को। मेरे मन में गहरी वितृष्णा भर गई थी। वह संधि की उस किशोर अवस्था में अर्थात टीनेज में मन पर एक खरोंच पड़ गई थी जो कांच पर खींची लकीर की तरह आज भी यथावत है। स्कूल में पढ़ाई गई सुमित्रा नंदन पंत की कविता आह ग्राम्य जीवन भी क्या के एक एक शब्द घोर बनावटी और झूठे साबित हुए थे। उस दिन जो कुछ घटित हुआ उसने मेरे मन में उद्वेलन कर दिया था। शायद दलित कविता के संस्कार भी जागने लगे थे जो एक लंबी प्रक्रिया के बाद समय आने पर अंकुरित हुए। ऐसे ही अनुभवों में ठाकुर का कुआं कविता मुझसे लिखवाई थी। ये कड़वी यादें मैं भूल नहीं पाता हूँ, रह रहकर बिजली की तरह दिमाग में कौंधती हैं। अपने श्रम का मूल्य मांगना अपराध क्यों? लोकतंत्र की दुहाई देने वाले सरकारी मशीनरी का उपयोग नसों में दौड़ते हुए लहू को ठंडा करने के लिए करते हैं, जैसे हम इस देश के नागरिक ही नहीं हजारों साल से इसी तरह दबाया गया कमजोर और बेबसों को। कितनी प्रतिभाएं छल और कपट का शिकार होकर मिट गईं, कोई हिसाब नहीं। एकलव्य या शंभू, ये तो सिर्फ दो उदाहरण हुए। आज के जमाने में रोहित वेमुला, संजली, पायल तड़वी, ना जाने ऐसी कितनी प्रतिभाएं हैं जो लगातार छल और कपट से मिटाई जा रही हैं। पता नहीं ये सिलसिला कब बंद होगा। पिट पिट कर वे लोग हताश घर लौट आए। खामोशी उनके चेहरों पर चिपकी थी, आंखों में गहन पीड़ा थी, शरीर जख्मी। उस रोज बस्ती में किसी के घर चूल्हा नहीं जला, सभी डरे और सहमे हुए थे। इस हादसे ने आपसी सौहार्द खत्म कर दिया था। फिर शुरू हुआ एक सिलसिला गांव से पलायन का। धन्नू, हरनाम, गुरनाम, फौजा, जसबीर एक एक करके चल पड़े शहरों की ओर, जहां उन्हें एक नई रोशनी अपनी ओर खींच रही थी। गांव की धरती जब बांझ होने लगे तो उसमें खाद पानी डालने की हिम्मत छूट जाती है। अपना गांव जब अपना ही ना रह जाए तो लगाव कैसा। तो ये दो घटनाएं हैं जिनका जिक्र आज के एपिसोड में हमने किया। एपिसोड को खत्म करने से पहले मैं एक पुस्तक का जिक्र करना चाहूंगी और उसकी कुछ पंक्तियां आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगी। पुस्तक है एक था डॉक्टर एक था संत। मूल रूप में ये अंग्रेजी की पुस्तक है अ डॉक्टर एंड अ सेंट, जिसकी लेखिका है विश्व चर्चित अरुंधति रॉय जी। और ये इसका हिंदी संस्करण है जिसको अनुवाद किया है अनिल जैहिन जी ने और सह अनुवादक हैं रतन लाल जी। इसकी पंक्तियां हैं, ध्यान से सुनिए। किसी भी गांव के पुलिस कर्मी से पूछो कि उसका क्या काम है तो वह आपको शायद यह जवाब देगा, शांति बनाए रखना। और अमूमन यह काम जाति व्यवस्था बनाए रख कर किया जाता है, जबकि दलितों की आकांक्षाएं उस शांति को भंग करती हैं। आज की घटना के ऊपर ये पंक्तियां बिल्कुल सटीक बैठती हैं। आज के एपिसोड में इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।